कि आप भी अपनी वीडियो में कस्टम यूआरएल को सेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। दोस्तों अब कस्टम यूआरएल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कस्टम यूआरएल का मतलब होता है कि अगर एक आप यूट्यूब क्रिएटर हो और आप इसने अभी अभी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है और आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको कस्टम यूआरएल मिल जाएगा। कस्टम यूआरएल के फायदे क्या हैं? अगर आपके कोई भी अगर बंदा आगे कोई भी पर्सन अगर आपके चैनल पर जाना चाहता है तो अगर आपके चैनल का कस्टम यूआरएल सेट होगा तो आपके कस्टम यूआरएल यानी आपने जो कस्टम यूआरएल सेट कर रखा होगा उसी यूआरएल को टाइप करके आपके चैनल पर जा सकता है। वैसे तो आपने देखा होगा जब भी हम YouTube में जाते हैं तो उसका जो URL होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है जिसकी वजह से हम कोई भी बंदा नहीं जा सकता। अगर आपके YouTube चैनल का जो नाम है अगर आपका सर्च रिजल्ट में आ जाता है तो अगर आपका चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आता है तो आपके और नहीं आता और आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो ऐसे में आप कस्टम URL ले सकते हैं। अब कस्टम URL कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको youtube.com ओपन करना है। जैसे ही आप youtube.com ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिसका भी आप कस्टम यूआरएल सेट करना चाहते हो यानी बनाना चाहते हो। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर योर चैनल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम चैनल पे क्लिक करना है। कस्टम चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक लेआउट, दूसरा ब्रांडिंग, तीसरा बेसिक इन्फो। तो आपको सिंपली बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जो भी आप कस्टम यूआरएल सेट करना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। या अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कस्टम यूआरएल है वो है https://www.youtube.com/c/completedtag। ये मेरे YouTube चैनल का कस्टम URL है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली से पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके YouTube चैनल का कस्टम URL सेट हो चुका है। जैसे ही कोई बंदा इस URL को टाइप करेगा तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने चैनल के लिए कस्टम URL सेट कर सकते हो। दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अपने चैनल के लिए कस्टम URL को सेट करना। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा।